17वीं लोकसभा चुनाव में अपनी सियासी जमी गंवाने के बाद पहली बार राहुल गांधी 10 जुलाई को अमेठी जा रहे हैं। वे इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनका हाल भी जानेंगे और संभवतः चुनाव नतीजे की भी समीक्षा करेंगे। राहुल गांधी अपने इस दौरे से ये संदेश देना चाहते हैं कि भले ही वे अमेठी से चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनका रिश्ता अमेठी से अब भी बना हुआ है। यह उनकी कर्म भूमि है जो उन्हें विरासत में मिली है और इसे वे संभाल कर रखना चाहेंगे, क्योंकि अमेठी ऐसी संसदीय सीट रही है जिसका कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार से गहरा रिश्ता रहा है। बता दें, अमेठी सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी और उस दौरान हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी संसद पहुंचे थे। इस सीट का संसदीय इतिहास बताता है कि अब तक यहां से ज्यादातर समय कांग्रेस जीतती रही है। बहुत कम मौके आए जब कांग्रेस के हाथ से ये सीट फिसल गई हो। इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह इस सीट से जीते थे, जबकि 1980 में जब दोबारा चुनाव हुए तो संजय गांधी जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। 1998 में ये सीट फिर बीजेपी की झोली में चली गई और संजय सिंह चुनाव जीते। इस तरह इक्का दुक्का मौकों को छोड़ दिया जाए तो इस सीट पर अमूमन कांग्रेस और गांधी परिवार का ही कब्जा रहा। वहीं 1999 में हुए चुनाव में सोनिया गांधी मैदान में उतरी और संसद पहुंची। इसके बाद 2004 से राहुल गांधी अमेठी से लगातार संसद पहुंचते रहे, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस चूक गई और 1998 के बाद अमेठी सीट बीजेपी के खाते में चली गई और स्मृति ईरानी जीत हासिल करने में कामयाब रही। स्मृति ईरानी की इस जीत के साथ बीजेपी अमेठी को अपना गढ़ बताने की जुगत में लग गई है, लेकिन राहुल गांधी बीजेपी की इस रणनीति को असफल बनाने के लिए अमेठी में अपनी हार की वजह को तलाशने की कोशिश शुरू कर चुके हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा जाने लगा था कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं तो वे अमेठी को छोड़ देंगे। वहीं जब राहुल गांधी अमेठी में चुनाव हारे तो तमाम सियासी पंडितों ने कहा कि वायनाड चुनाव लड़ने की वजह से अमेठी का जनता राहुल गांधी से नाराज हो गई है और उनकी हार की यह मुख्य वजह मानी गई। राहुल केरल के वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीत गए और संसद पहुंचे। भले ही वायनाड से राहुल चुनाव जीत गए हों, लेकिन सबके मन में सवाल तो यही था कि आखिर गांधी परिवार की परंपरागत सीट राहुल के हाथ से कैसे फिसल गई। राहुल जब चुनाव हारे तो लोगों ने कहा कि अमेठी की जनता राहुल गांधी से नाराज थी, लेकिन जनता की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि राहुल गांधी समझ ही नहीं पाए। कहा जाता है कि सियासत में एक रास्ते बंद होते हैं तो कई और रास्ते खुल जाते हैं। इन्हीं रास्तों के बीच राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़ा, अपनी सियासत को खत्म होने से बचाए रखा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। वहीं जब लोकसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हार गई तो पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे देने पर अड़ गए। राहुल गांधी इस्तीफा नहीं दे इसलिए काफी मन मनोबल का दौर भी चला, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान कांग्रेस में नेताओं के इस्तीफे का दौर चला और देश की सबसे पुरानी पार्टी में भगदड़ सी मच गई और देखते देखते सबसे ज्यादा सत्ता में काबिज रहने वाली पार्टी नेता विहीन हो गई, जिसकी वजह से नेशनल कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय में तब्दील होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के हालात मौजूदा वक्त में ऐसे हैं कि उसे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है जो कांग्रेस में फिर से जान फूंक सके। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर सक्रिय राजनीति में उतारा, लेकिन वह राजनीति भी फेल साबित हुई। लेकिन जब राहुल गांधी इस्तीफा देने पर अड़े थे, बात चली प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। तो सवाल उठा कि अगर कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा तो कौन होगा जो कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाएगा। फिलहाल तो अभी कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई दे रहा है जो वक्त और सियासी भंवर में फंसी देश की सबसे पुरानी पार्टी को संजीवनी दिला सके। वहीं बात करें अमेठी की, तो राहुल गांधी से बेहतर कौन समझ सकता है कि अमेठी उनके लिए क्या है और गांधी परिवार के लिए क्या मायने रखता है। न्यूज़ डेस्क।